वो कैसा कहते हैं कि बिग बॉस या तो आबाद कर देता है या तो बर्बाद कर देता है आपको, तो मेरे लिए तो बिल्कुल आबाद है। मैंने उनसे पूछा कि सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन है, उन्होंने बताया तुम, तो मैंने तुमको रोस्ट कर दिया। नहीं दिखता नमक, आधा चम्मच नमक डालती हूँ वैसे ही थूक देता। यार जर्नी मेरी बहुत ही अमेजिंग थी, रिमार्केबल थी, मेरे करियर में डेफिनेटली एक मार्क छोड़ के जाएगी। और अगर मार्क की बात करूँ तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे सबसे पहले ये चीज सुनने को मिली कि यू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द शो कॉल्ड बिग बॉस, कि इसे ऐसा भी निभाया जा सकता है ये नहीं सोचा था। सो अगर ये लोग मुझे बोल रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे पूरे करियर की बात करें या मेरे 18 साल में जितने भी मैंने शोज किए हैं, वहाँ भी इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ भी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी दिखता है इंसान कैसा है, किसके कितने किसके साथ बैक ऑफ द कैमरा किससे किसके लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है। तो मेरे लिए वो बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जो कि मेरी करियर में बिल्कुल भी, वो कैसा कहते हैं कि बिग बॉस या तो आबाद कर देता है या तो बर्बाद कर देता है आपको, तो मेरे लिए तो बिल्कुल आबाद है। जिया और आपकी थोड़ी दूरी होगी, मुझे ऐसा लगा कि जिया फिर वापस पलक गई, फिर वापस नजदीकी। तो ये जो पॉइंट है, जो नजदीक आना दूर जाना, वो क्या उनके गेम का हिस्सा था? जब मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच नहीं रहा था, इंसान सोचता है इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ तो वो मेरे साथ रहेगा, अगर मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो वो इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी मुझे, करेक्ट? तो जो है सो है, जो वाइब समझ में आती है समझ में आती है, जो वाइब समझ में नहीं आती वो नहीं आती, बी क्लियर। तो अगर उसे ऐसा लगा कि वो पलक आ गई है तो उसे उसको ज़्यादा टाइम देना है, उनके बीच में कुछ बात हो गई उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना था क्योंकि उसकी पुरानी दोस्ती थी 6 साल पुरानी, ठीक है मेरे समझ में आया। बट यार मैं किसी का सेकेंड ऑप्शन नहीं, अगर मुझे मेरा इंपॉर्टेंस चाहिए तो मेरा इंपॉर्टेंस मेरा है। अगर उसे ऐसा नहीं होता ना कि आप जिंदगी में किसी एक ही इंसान के दोस्त बनते हो, वो तो घर है वहाँ तो 15 लोग साथ 12 लोग साथ में रह रहे हैं, तो सिर्फ एक इंसान तो दोस्त नहीं बन सकता ना, कोई और भी दोस्त बन सकता है। तो मुझे उस वक्त ऐसा यू फील हुआ कि यार मतलब ये क्या है, मतलब जब हमारे साथ थे तो हमारे साथ, वो आ गई तो उसके साथ, वो चली गई तो हमारे साथ, मतलब क्या है, थोड़ा सा वैसी वाली फीलिंग आई थी। जब भारती जी भी आए थे घर पे, उसके 2 दिन पहले से मैं बात कर रहा हूँ उनके, वो वीकेंड फिर मंडे ट्यूजडे ये जो हफ्ता था 4-5 दिन का, उन्होंने सिर्फ आपको टारगेट किया, ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल लगा। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे कह रहे हैं कि यार मैंने बाहर देखा, और मैंने उनसे पूछा कि सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन है, उन्होंने बताया तुम, तो मैंने तुमको रोस्ट कर दिया। अगर मैं वीक कंटेस्टेंट, अगर मैं शो में कुछ कर नहीं रहा हूं, तो आप घर में घुसते ही मुझे क्यों पहुंच गए? आपको प्रीफिक्स अगर माइंड से आए हो कि मैं अंदर घर में जाते ही इस बंदे के साथ पंगे लूंगा, तो आप वीक इंसान को तो टारगेट नहीं करोगे ना, जो दिख ही नहीं रहा, जो कुछ कर ही नहीं रहा, आप किसको टारगेट करोगे? जो स्ट्रांग दिख रहा है कि मेरे को यार इसका सिस्टम हिलाना है, करेक्ट उनकी लैंग्वेज में। तो मैंने तो बहुत पॉजिटिवली लिया, मेरे को उल्टा अच्छा लग रहा था कि अच्छा देखो मैं स्ट्रांग लग रहा हूँ, आ लड़ जो करना है कर। बट कई हद तक उनके आने के बाद अभिषेक के गेम में भी काफी सारे बदलाव आए, इन टर्म्स ऑफ टास्क को लेके, बातचीत को लेके, वो काफी क्लोज थे। मुझे याद है कि वो घर के अंदर एंटर हुए थे, फिर पूजा मैम आई, सडनली उन्होंने पूछा ये कौन है, तो आपने बोला शिज पूजा भट्ट, तो उनको नहीं पता था, तो उधर थोड़ा आपकी नोकझोंक हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर नोकझोंक हुई, फिर एक टर्म था दोस्ती हुई, फिर वेलविश आया तो थोड़ी दोस्ती में थोड़ी सी दूर हुई, आप उस पर क्या कहना? यार अभिषेक के साथ ना मैंने कोशिश बहुत की, बट उसके साथ मैं एकदम वैसा कनेक्ट नहीं कर पाया कि जैसे मैं किसी दोस्त के साथ या मैं जिसके आराम से बैठ के बातें करूं घंटों तक। उसकी बातें और मेरी बातें 10-15 मिनट टिक पाती थी, उसके आगे मेरे को समझ में नहीं आता। वो और एलविश भी बैठते थे, मैं कभी जाके बैठता भी था वहाँ, तो मैं 10-15 मिनट में बोर हो जाता था, मेरे को नहीं समझ आता यार, उनके टॉपिक्स ही मेरे को समझ में नहीं आते, उनकी बातें ही मेरे को समझ में नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब 26 साल का था तभी वैसी बातें नहीं करता था, तो मैं अभी तो 36 का हूँ, 36 तो अभी कहाँ से कर दूँ। थैंक यू सो मच। पानी डाला था ना जिया को, मैंने पहले तो उसने बताया तो मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि यार वो फनी चीज थी, वो मतलब वो ये नहीं सोच पा रही है कि मुझे हैंड वॉश नहीं डालना चाहिए था। एक नॉर्मल कॉमन सेंस होता है ना कि अगर पानी में कुछ डालना है और आप चाहते हो कि वो सिर्फ क्या रिएक्शन चाहिए, यही रिएक्शन चाहिए ना, नमक भी हो सकता था ना, तो उसके लिए हैंड वॉश डालने की क्या जरूरत है?
देखने में को हंसी आ रही थी जिया की सोच पे कि तू ऐसा सोच कैसे लेती है, इतना इनक्रेडिबल कैसे सोच लेती है, थोड़ा नॉर्मल सोच ले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ जो है नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि नमक डाल देती ना, नहीं दिखता नमक, आधा चम्मच नमक डालती हूँ वैसे ही थूक देता, वो खराब भी नहीं होता सिस्टम के लिए, सिस्टम भी ठीक रहता। हाँ पता चला जिया का ही सिस्टम मिल गया। मैंने उससे पूछा था कल जब हम मिले, तो जो भी हमारे सवाल थे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब यार तो बात करने का मौका नहीं मिला, सीधा सडनली घर से बाहर चली गई, तो वो मेरे को एक धक्के की तरह लगा। और कहीं ना कहीं उसी वीकेंड के बाद पे सलमान सर ने उसको टोका था कि तुम ये क्या बोल रही हो अविनाश को कि गायब हो जाऊंगी बाहर नहीं मिलूंगी, तो वो ऐसा लग रहा था कि अभी जितना टाइम था हमने बात कर ली, बाकी हम बात रात को करेंगे जैसे हम रोज रात को बैठते थे बात करने के लिए। मुझे याद है मैंने ये चीज पूछा था, कैफे से बुला था नहीं, सडनली अगर कैफे में कोई रहेगा अगर थर्ड पर्सन उनको कॉल करता है तो चले जाएंगे, मतलब वो वे में गायब, नॉट दैट वे गायब कि वो दिखेगी नहीं आफ्टर द शो, वो वे में नहीं, वो तो अब इम्पोर्टेंट रही नहीं बात जब मेरी उससे बात हो गई, तो वो कुछ और उसका लाइफ में बैकलॉग कुछ रहा है जो उसके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल रहा है, वो शो पे नहीं बताना चाहती थी, तो बहुत ही ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है।